जय माता दी। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपने भी व्रत रखे होंगे। जैसे कि आज है पहला नौरता और हमारे घर पे दोबारा से काम चालू हो गया। जैसे कि दीवारों पे पेंट हो गया था, अब ये है चौखट वगैरह जो गेट वगैरह है इसका काम चालू कर दिया। और मेरा तो टेंशन भी परेशान हो रहा है और मैं भी बैठ गई हूँ एक तरफ। और ये मैंने पहना है ये वाला सूट, आपको याद होगा ये मेरी एनिवर्सरी पर बच्चों ने गिफ्ट किया था मुझे। और फ्रेंड बहुत परेशानी हो रही है, सब सुबह ही पूजा वूजा सब कर ली थी मैंने इनके आने से पहले, पेंटरों के आने से पहले झाड़ू पोछा वोछा सब कर लिया था, मतलब पूरा घर सेट था, पर इन्होंने आके सारा तहस नहस कर दिया। इतनी गुस्सा आ रही है मुझे, मैं कि मैंने काम तो स्टार्ट इसलिए करवाया था कि नौरतों से पहले पहले मेरा घर का काम ख़त्म हो जाएगा, पर फर्स्ट नवरात्रि पर भी मेरे घर में गंदगी फैल रही है। इन्होंने सारे घर में रेत रेत धूल धूल उड़ा के ना पूरे चादर वगैरह पर भी सब पे धूल जम रही है। अब क्या कर सकती हूँ, बैठी हूँ मैं तो एक तरफ को। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर काम कर रहे हैं और देखो कितना रेत रेत हो गया है, सारे में मसाला मसाला छूट गया है, क्योंकि जो हमारा घर बना था तो इन चौखटों पे मसाला चिपका हुआ था, वही छुटा दिया है इन लोगों ने। और बारीक बारीक रेत है फ्रेंड्स। अब वो लंच करने के लिए गए हैं, उन्होंने पहले बोल दिया कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा लेना भाभी जी, और उसके बाद तो सारा पेंट का काम होगा तो इसका धूल मिट्टी का काम सारा हट जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो आप झाड़ू लगा लेना, नहीं तो फिर धूल उड़ेगी पेंट में, तो फिर पेंट पे चिपकता है धूल जो उड़ती है। तो बस वो लंच करने गए, मैं इस काम में लग गई हूँ फ्रेंड्स। और मुझे लग गए थे दो घंटे लग गए थे सही तरह से झाड़ू लगाने में और सारा सामान बेड वेड अंदर का सही करने में, क्योंकि अब पेंट वेंट का ही काम होगा तो इसमें इतनी गंदगी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, और मेरा तो अभी मतलब खाना भी लंच भी बनाना है मुझे बच्चों के लिए। मेरा तो खैर व्रत है, मैंने पूरे 9 व्रत रखे हैं और मुझे बनाना है खाना, उसकी भी टेंशन हो रही। फिर वो आएंगे, मैं उनके वहाँ पे खाना वाना बनाऊँगी तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं वो एक घंटे डेढ़ घंटे में आ जाते हैं वो लोग लंच करके। तो आई होप आप सब ने भी व्रत रखा होगा, पर मेरी तरह कोई परेशानी हुआ होगा सर फ्रेंड्स। और देखिए मैंने सिर भी बांध रखा है कि मेरे सिर में धूल ना चली जाए। और फ्रेंड्स देखिए ये ग्रे कलर की साड़ी कितनी प्यारी आई है, नेट की साड़ी है ये, फॉल पीको के लिए आई हुई है। और फ्रेंड बाहर जो काम कर रहे हैं तो मैं बाहर जाके भी मतलब कुछ काम भी नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बैठे बैठे इसमें फॉल पीको ही कर लेती हूँ, फॉल लगा लेती हूँ फिलहाल तो। और जैसे कि शाम के 4 बजने वाले हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मुझे पूजा वूजा भी करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी इस काम को कर लूँगी। बस क्या तो जैसे कि हमारा पेंट हो चुका है, ये बज रहे हैं 6:30 और ये हमारे उस पर पेंट हुआ है, पर इसकी वजह से ना ये सब खराब चल रहा है। पर्दा कर दिया है, मैं भी गया हूँ, निकल गया, पूरा दिन हो गया गंदा ही कर दिया हमारा घर दोबारा से। और दिखाया ये कराया, चलो जल्दी कर लो फटाफट। और ये जैसे कि छिल रही हैं आलू, इसको खाने हैं आलू, इसको खाने हैं आलू, कह रही मैं। हेलो गाइस, हम सेल नहीं घुस रहा, सेल लगाने नहीं आ रहे इसको, दिखाओ थोड़ा, सीधा उल्टा का होगा इसका निशान। हाँ हाँ, चलो तो ये नया दिया दीपक ज्योत, ये हमारी अखंड ज्योत है, लाइट बंद करने में नकली वाली है, नकली वाली। तो देखो दोस्तों ये ऐसा है कुछ, एक बार लाइट बंद करना बताना। और ये रहा मंदिर, ये है असली वाली ज्योत और ये है रियल वाली ज्योत, अखंड ज्योत। और यहाँ पर हो रहा है जैसा लगेगा मंदिर में रख के, यस ये देखो, थोड़ा दूर से दिखाओ, दूर से थोड़ा शूट करो। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि रियल हो। चल हम फिर से आए, इस बार मंदिर से जाएंगे हम। मैं इससे जाऊँगी, दीदी से जाएंगे और भैया आलू छीले और ताई भी। लगाई आज ताई ने, देखो कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है। और दीदी खोने में लगी है लड़ी को, दीदी आपने भी लगाई है? मैंने नहीं लगाई, मेरे पास ये मैरिड लोग हैं। भैया आपका भी व्रत है? नहीं, जैसे कि आज अन्नू कर रही है व्लॉगिंग,
तो ये आप जो आवाज सुन रहे हो वो अन्नू की आवाज है। अन्नू का पूरा नाम बताओ, अन्नू अपना पूरा नाम बताओ, स्कूल का पूनम, पूरा पीछे तक पूनम कश्यप। हाँ जी, इसका नाम है पूनम कश्यप। और ये अभी आपको दिखेगी थोड़ी देर में, मैं जरा आलू छील दूँ फिर मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो में लाऊंगी। इसका फेस रिवील कर देंगे अभी मैं इसको वीडियो में लाऊंगी, जरा मेरे हाथ बिजी है। ये देखो आलू छीनने में बिजी है। कितना लंबी है ये भाई, बहुत बड़ी है ये, बहुत लंबी है ये, देखो यहाँ से ले जा रहे हैं। ये दीदी अब भी कर रही है। है दीदी अब आप